अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। आज हम आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी के टायरों में से हवा निकाल दी जाए तो क्या होगा, या फिर इंजन में से इंजन ऑयल निकाल दिया जाए तो क्या होगा, या आपकी सीट के सारे कुशन्स हटा दिए जाए तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है आपके जोड़ों के साथ आर्थराइटिस में। आपके जोड़ों के बीच में जो कुशन होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं, वो आर्थराइटिस में ख़त्म हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। आर्थराइटिस में आपको जोड़ों में सूजन, दर्द और जकड़न रहेगा, और 100 से भी ज़्यादा प्रकार के आर्थराइटिस हैं दुनिया में। आर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, लेकिन ये 50 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों में और महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। आर्थराइटिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जॉइंट में की जो मूवमेंट है उसमें कमी आएगी, उसमें सूजन आ सकती है, जलन हो सकती है। अब ये क्यों होता है? जॉइंट का जो कार्टिलेज है उसको डैमेज होने के कई कारण हैं, लेकिन सब ज़्यादातर ये इन्फेक्शन, ट्रॉमा या फिर ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि किसी और बीमारी के लिए बने हुए एंटीबॉडीज हमारे शरीर के कार्टिलेज को जाके डैमेज कर देते हैं। इन तीन और यूरिक एसिड के डिपोजिशन, इन सारे वजहों से आर्थराइटिस हो सकता है। और भी कई कारणों से आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन बेसिकली आर्थराइटिस में जॉइंट का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है। अब अगर जॉइंट कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो बट ऑब्वियसली आपके जॉइंट में रगड़न होगी, हड्डियां हड्डियां से रगड़ गई, उसमें घर्षण के साथ सूजन और दर्द होगा। अब इसे कैसे डायग्नोस किया जाए? इसे डायग्नोस करने का तरीका, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी हिस्ट्री कि आपको कब कैसे क्या हुआ, कैसे दर्द शुरू हुआ, और दूसरी चीज़ एक्सरे या एमआरआई करके इसको डायग्नोस किया जा सकता है। इनिशियल ट्रीटमेंट तो इसका दवाइयों से हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद और कोई चारा नहीं रहेगा और आपको आर्थराइटिस के लिए रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज करानी पड़ेगी। आर्थराइटिस के इलाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको आपकी जीवन शैली में कई प्रकार के परिवर्तन लाने होंगे। सबसे ज़रूरी परिवर्तन ये होगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, मसाज करनी ज़रूरी है, लेकिन लिमिट के अंदर। आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको जंपिंग, कूदना, दौड़ना अवॉइड करना होगा। इन सभी के साथ आपको स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल लेना, दारू पीना अवॉइड करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों से इन्फ्लामेशन, जॉइंट कार्टिलेज का डैमेज बढ़ जाता है। उसी के साथ आप डाइट में चेंजेस लाएंगे, आपको हाई फाइबर फ्रूट्स, आपको नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, इन्हीं के साथ विटामिन ई और ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स के साथ, विटामिन ई और ओमेगा 3 जिन सब्जियों में ज़्यादा है जैसे कि हरी सब्जियां, आपको फ्रूट्स, आपको नट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खानी होंगी। वज़न घटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना वज़न ज़्यादा होगा वो जॉइंट पे प्रेशर और डालेगा। वज़न कम से आपके जॉइंट पे प्रेशर कम होगा, कार्टिलेज डैमेज कम होगा और दर्द और सूजन में बहुत ही जल्द आराम आ जाएगा। इसी के साथ आपको बहुत सारी नींद की ज़रूरत है। नींद सही तरीके से होनी चाहिए, 6 से 8 घंटे कम से कम। नींद से आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। कई बारी हम जॉइंट के अंदर इंजेक्शन से, स्टीरॉइड के इंजेक्शन से, या फिर जॉइंट के जो फ्लूइड होता है जिससे के, जिसे ऑयल भी कह सकते हैं आप, उसका भी इंजेक्शन लगता है, जिससे कई दिनों तक आराम रहता है, लेकिन इससे बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती। आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है,
और इसे मैनेज किया जा सकता है, इसे कोई सी किसी भी तरीके से रिवर्स या ख़त्म नहीं किया जा सकता। आर्थराइटिस से बचा जरूर जा सकता है, आप अगर अपने सारे जॉइंट्स को रेगुलरली मूव करते रहेंगे, आर्थराइटिस के जितने मैंने सलाह बताई हैं, जो नुस्खे बताए हैं, उन सबको फॉलो करेंगे तो आपके आर्थराइटिस बढ़ जाने के चांसेस कम हो जाएंगे और आप इसे बड़ी ही आसानी से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर भेजिए, ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो उसे भी मेंशन करें। गुड लक, थैंक यू।